नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के प्रथम प्रश्न पत्र की यूनिट 3 के आईएमपी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको एक बात बताने चाहता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 में विद्युत रसायन, और अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसकी वीडियो आपको ज़रूर बना के दूंगा। तो यह हमारे विद्युत रसायन पार्ट है, इसका नाम पहला क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता। तो लांकी चालकता तथा आणविक चालकता को समझाइए, इन चालकताओं पर तन्यता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये बीएससी सेकेंड ईयर में है और ये ट्वेल्थ में भी है यही क्वेश्चन। दूसरा है हमारा आरहीनियस के विद्युत अवघटनी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन, अगर आपको इन क्वेश्चनों का हल चाहिए तो मुझे कॉमेंट बताएं, मैं आपको पूरा हल वाला वीडियो आपको भेज दूंगा। तीसरा है ओस्टवाल्ड के तन्यता नियम का वर्णन कीजिए। चौथा है हमारा कॉलरॉस के नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। तो यह बीएससी सेकंड ईयर में भी है और यह ट्वेल्थ क्लास में भी है, ये आप वहां से याद कर सकते हो और इसे भी आप वहां से याद कर सकते हो। पांचवा है अभिगमनांक से आपका क्या तात्पर्य है, अभिगमनांक का निर्धारण कैसे किया जाता है, समझाइए। छठा क्वेश्चन है प्रबल विद्युत अवघट्यों के लिए डेबोई हायुकेल सिद्धांत को समझाइए। तो इस यूनिट 3 में हमने यह 6 क्वेश्चनों को ऐड किया है, तो अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर चेक करें और वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।